आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य प्रमोद तिवारी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि PSI को कांग्रेस से जोड़कर BJP अपना झूठ छुपा रही है। ये बातें झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानी है। हाथरस की बेटी का इलाज कराने में देरी करना, मौत के बाद रातों रात दाह संस्कार करना या फिर मीडिया को गांव में न जाने देना कांग्रेस या विपक्षी दलों के आदेश में नहीं, वरना सत्ता पर काबिज प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। छुपाने का नाम BJP काफी अच्छे तरीके से कर सकती है। हाथरस जिलाधिकारी के बारे में बोलते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिलाधिकारी का स्थानांतरण न करना BJP की कमी है, क्योंकि अगर जिलाधिकारियों को हटाया गया तो वह सबकी पोल खोल सकता है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक अंतिम संस्कार नहीं होता, क्या कांग्रेस ने कहा था? क्या कांग्रेस ने यह कहा था कि किसी पत्रकार को मत मिलने दो? क्या कांग्रेस ने यह कहा था जो विरोधी दल के लोग नेता हैं उनको न मिलने दो पीड़ित परिवार? अरे छिपा तो आप रहे हो भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले लोग जो खड़े हुए हैं अपराधियों को बचाने के लिए और अपराधियों की रक्षा के लिए। तो ऐसा क्या कारण है कि अभी तक DM को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है और वहाँ पे लगातार अभी भी पार्टीगत राजनीति ही चल रही है? DM को इसलिए नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं कि अगर DM को ट्रांसफर करेंगे तो वो बता देगा कि किसने रात में 2:30 बजे पार्थिव शरीर को अग्निकांड में समर्पित कराया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद तिवारी जी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इन सब चीज़ों में एक तरीके से भाजपा ही खुद सम्मिलित है और अब खुद को ही वो दोषी करार होने से बचा रही है। महेंद्रजीत बैनर्जी, टुडे एक्सप्रेस न्यूज़, प्रयागराज।